के इस आशु भाषण में मुझे दिया गया विषय है कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज ना करें। सर्वप्रथम मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आज मैं यहाँ पर एक ब्रिटिश सूट पहनकर खड़ा हुआ हूँ, जिसमें से हो सकता है बहुत से लोगों ने मुझे देखकर ये सोचा हो कि मैं अंग्रेजी भाषा में अपना आशु भाषण देने वाला हूँ, परंतु मैं एक हिंदी भाषी युवा हूँ और मैं हमेशा अपना भाषण हिंदी में ही देना मानता हूँ इस बात को। दूसरी बात, अभी मेरे से पहले एक पूर्व वक्ता आई थी, उन्होंने भी अपनी कहानी यहाँ पर साझा की, जो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने उसे उन्हें चाइनीज बोल दिया था ऊपर से बाहर से देखकर, लेकिन वो है एक भारतीय ही। दूसरी बात, आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, एक छवि उत्तर प्रदेश की कुछ लोगों ने ऐसा बिगाड़ रखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडई होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके के लोग पाए जाते हैं। अपने आप सभी ने हो सकता है मिर्ज़ापुर देखी हो, आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पर किस तरीके की छवि आपके सामने पेश की जाती है। परंतु आप उस उत्तर प्रदेश को जब आप एक तरफ से देखते हैं, जब भी आप उस उत्तर प्रदेश को दूसरी तरफ से देखते हैं, वहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जी को दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ के सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे थे गोविंद वल्लभ पंत जी। एकदा सत्या विप्रा बहुधा वदंती, सत्या एक ही है, उसे विप्रजन, उसे बुद्धिमान जन अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को, अथवा किसी भी संवेदना को, किसी भी भावना को, और किसी भी मनुष्य को सिर्फ बाहरी दिखावे से आप ये कहना कि ये मनुष्य ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, ये मैं नहीं मानता इस बात को। आप उदाहरण लीजिए श्री राम का, वो वनवास में गए थे, रावण ने उन्हें देखा कि दो साधु वेशधारी युवा वन में घूम रहे हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। वो नहीं जानता था कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजकुमार हैं, जिनके पास सारी शक्तियां प्राप्त हैं। उसने जाकर सीधे उन पर आक्रमण कर दिया, सीधे उन्हें बोल दिया कि वनवासी युवा मेरा क्या बिगाड़ देंगे, और अंत में क्या हुआ आप सभी उससे अच्छी तरीके से जानकार हैं। आप उदाहरण ले लीजिए महाभारत का, लोगों ने कहा कि 5 नन्हे मुन्ने बालक पितामह भीष्म के सामने टिक पाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य के सामने टिक पाएंगे, परंतु वो ये भूल गए थे कि उनके साथ में भगवान कृष्ण भी थे। आप सिर्फ बाहरी दिखावे से, आपने सिर्फ ऊपर से देखा कि आपको क्या दिख रहा है, परंतु उसकी गुह में, उसकी जड़ों तक आप गए ही नहीं। जड़ बता देती है कि वृक्ष कैसा है, जड़ बता देती है कि फल कैसे उगेंगे। इसी के साथ में एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हम गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय में गए थे एक वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, वहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि शिक्षित व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है और ज्ञानी व्यक्ति भी अशिक्षित हो सकता है। आप किसी को अपने बाहरी दिखावे से देखा, उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, उसके बोलचाल से, भाषण से आपको लग रहा था कि हो सकता है यह अशिक्षित व्यक्ति हो। ऐसा कई सारी कहानियों में हमने देखा है, सुना है, जाना है, पढ़ा है कि बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्तित्व जाकर बैठ गए कुछ लोगों के बीच में, जिसमें स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी हैं। जब सीता जी के बारे में लोग बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ है सीता जी के साथ, वैसा हुआ है, भगवान ने अपना वस्त्र उतारे, साधारण मनुष्य के वस्त्र पहने और जाकर बैठ गए, सभा में जाके बैठ गए लोगों के बीच में और देखा कि क्या बात चल रही है। लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना, लोगों ने सोचा कि आम आदमी है, सारी बातें बता दी वस्त्र देखकर, आभूषण देखकर। तो महोदय, शिक्षित व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है और ज्ञानी व्यक्ति भी अशिक्षित। दूसरा इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जितने साधारण व्यक्तित्व बाहर से दिखते थे, हम सभी ने देखा है, लोग बताते हैं और उनकी पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर में भी ऐसा लिखा है, उनके पास में कुल मिलाकर 5 सूट थे जिन्हें वो पहनते थे, सरकारी आय लेते थे, सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर दे देते थे, अपने लिए कोई एक रुपया भी इस्तेमाल नहीं करते थे। जब वो सरकारी आय लेते थे और वो कोई रुपया अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, लोग उन्हें कहते थे कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, आप कुछ अपने बारे में भी तो सोचिए। वो कहते थे कि नहीं, मैं देश के बारे में पहले सोचता हूँ। उन्हें साधारण सामने से देखकर किसी व्यक्ति को ये लगता नहीं था कि वो राष्ट्रपति हैं किसी देश के। आज हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आप उन्हें देखिए, उनके जैसे और भी अनेक उदाहरण मैं इस सभा में पेश कर सकता हूं, परंतु समय का अभाव मुझे दिख रहा है, तो अपने अपने वक्त
वक्तव्य को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा इसी के साथ में। धन्यवाद।